सब मन के जय यीशु ख्रिस्त में प्यारे दुलारो आया बार भाई बहन मन, एक वाक्य है मोके आर्स के डहार बताओ और मोए तो के स्वर्ग जाय के डहार बताऊं। ये वाक्य के हर कही है, ये वाक्य के क्यों नहीं मगर एक महान शांत शांत जोन मेरी भयानी एक छोट छोड़ा के कही रहा है। जेबरा वो आर्स पारिस बटे जात रहे हैं शांत जोन मेरी भयानी बेड़ाए गलाएं तो वो छुआ के पूछ लाए कि आर्स के डहार कौन बटे आए और वो छुआ के डहार के बतालक और जोन मेरी भयानी वह ठीन ठेहुनाए के विनती कर लाए और वो छुआ के कहलाएं मैं तो के स्वर्ग जाए के डहार बताऊँ। दुलारे आप और भाई बहन मान शांत जोन मेरी भयानी एक महान शांत है कहें वो महान शांत के बारे में मोए रवरे मन के आई कुछ बात बताए खोजो ना और कुछ संदेश देवे खोजो ना। शांत जोन मेरी भयानी के जन्म 1786 ईस्वी में फ्रांस देश के लियोन शहर पास गोटे गांव रहे, वो गांव के नाम है के दर्दिली, वहाँ जन्म हुई रहे। शांत जोन मेरी भयानी के आयो आवामन गरीब चासी रहें, चास काम कराते रहें और शांत जोन मेरी भयानी वो चास काम में उमन के मदद कराते रहें। जोन मेरी भयानी छाव छुआ मन में से चौथा छुआ रहे और जोन मेरी भयानी के आबा जोन के घर के काम भेड़ी चराए और चास बास काम करे में उकार सहारा ले जाते रहे। से लगिन जोन मेरी भयानी के पढ़ाई ठीक से होए नहीं पड़लक आरु थोड़े मोड़े पढ़ के वो अपन प्राइमरी शिक्षा के पूरा कर रहे हैं और जब वो 13 साल के हो गलक वो परम सत ग्रहण करलक और वह समय से वो विनती करत रहे कि वो एक दिन पुरोहित बनी। कारण कि पुरोहित बने इस सोच छुआ समय से ही उकर मन में रहे और जब वो 18 साल के हो गलक वो अपन आबा के पुरोहित बने के बात के बतालक। मगर जोन मेरी भानी के आबा ये गोइड सुन के खुशी नहीं होलक मगर उके गुस्सा लगलक। कारण कि उकटी कड़ुआ आदमी रहे, परिश्रमी तो रहे से रहे कड़ुआ आदमी रहे से लगिन जोन मेरी भानी के पुरोहित बने के लगिन छुट्टी नहीं दिलक। फिर भी जोन मेरी भानी हताश निराश नहीं होलें और जैसने परिवार में काम करे ना उसने काम करते रहलें। मगर गोटेक चीज उके सतात रहे वह के वो कैसन आबाहर के मनाए बुझे पारी और पुरोहित बनी वह चिंता में वो डुबल रहत रहे। जोन मेरी भयानी के अंतर आत्मा में एक आवाज़ अलग और वो आवाज़ कहलक जोन उठ ईश्वर के राइज के फसल मुरझाए जाते तो जा और उके देखभाल कर। तो ये आवाज़ के सुन के जोन मेरी भयानी के मन और दिल में और भी बगरा गहराई से पुरोहित बने के सोच अलग। वो यह सोच के अपन पल्ली पुरोहित अभी बेली के बतालक और अभी बेली कहलाएं तो चिंता ना कर, मैं तोरा बासे छुट्टी मांग देबो और मैं तो के मदद करबो कह के आश्वासन दिलाए। और उकर 2 साल पाछे जोन मेरी भयानी फादर अभी बेली ठीन अलग और फादर अभी बेली उके कुछ कुछ धर्म शिक्षा मन के दिलाए, कुछ कुछ लैटिन भाषा सिखा लाए और उके सेमिनारी में दाखिला करे लगिन लगलाएं। मगर सेमिनारी में उमन उके दाखिला नहीं कर लाए कारण कि जोन मेरी भयानी लैटिन भाषा नहीं जानत रहें और उस समय में सब विषय मान लैटिन भाषा में पढ़वात रहें और ये लैटिन भाषा जोन मेरी भयानी के मालूम नहीं रहे। से लगिन शुरू में उके सेमिनारी ले जाके नहीं खोजलाए और उकर पाछे फिर से अभी बेली उके अपन ठीन लगलक और उके धर्म शिक्षा दिलक लैटिन भाषा के और ठीक से पढ़वालक और जब कटिक थोड़े मोड़े उके जानकारी होलक
फिर से सेमिनारी में जाए के जोन मेरी भानी लगिन पल्ली पुरोहित अभी बली सिफारिश करके अनुरोध कर लें कि उके सेमिनारी में दाखिल करवाएं। और दाखिल हो ही गलक, मगर बात ही होला कि सेमिनारी कर पढ़ाई सहज पढ़ाई ना लगे, बहुत है कठिन और बहुत है परिश्रम करे पड़ेला। और खास करके जोन मेरी भानी लगिन बहुत कठिन होला, कारण कि लैटिन भाषा उके पूरा पूरा मालूम नहीं रहे, से लगिन उके तकलीफ होला। और कैसे नु अच्छा से पढ़े पारी और कैसे नु पुरोहित बने पारी उके बगरा सोचात रहे और विनती करत रहे। और एक दिन गर्मी छुट्टी में जोन मेरी भानी तीर्थ यात्रा लगिन गलक, 60 माइल दूर पैदल वो चलते चलते गलक तीर्थ यात्रा। और फ्रांसिस रेजिस एक संत रहे, उनका नाम में एक तीर्थ स्थान रहे, वहाँ जाए के वो विनती कर लग और परमेश्वर उनका विनती के सुन लें। और जोन मेरी भानी के पुरोहित बने के लगिन पूरा पूरा प्रेरणा मिललक। और कई साल के कठिन परिश्रम के पाछे जोन मेरी भानी के पुरोहित अभिषेक होलक 1815 ईस्वी में। और पुरोहित बहन के जोन मेरी भानी वह अपन पल्ली पुरोहित अभी बेली के सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में काम कर लें। और जोन मेरी भानी के बगरा से बगरा रुचि रहे पाप स्वीकार सुने, सिर्फ रुचि नहीं मगर उनका सोच रहे कि मैं कैसन बगरा से बगरा विश्वासी भाई बहन मन के आत्मा के बचाऊं, से लगिन वो बगरा से बगरा समय पापसी का सुनने में बितात रहे और अपन पल्ली पुरोहित अभी बली के हम मदद करत रहे। 2 साल के पाछे 1817 ईस्वी में अभी बली नुकसान हुई गलाएं। उस समय में जॉन मेरी भानी के बहुत दुख लगलक, मगर वो दुख के बगरा चिंता नहीं करके अपन काम में वो बगरा ध्यान दिलक। तलेक फादर जॉन मेरी भानी के पल्ली पुरोहित बनाल गलक पहला बेर लगिन आर्स पारिश में। और आर्स पारिश उस समय में एक विधर्मी पारिश रहे, वहाँ के भैर बहन मान कर विश्वास कमजोर हो जा रहे, उमान गिरजा निवात रहें, उमान दुनियादारी में बगरा ध्यान देवात रहें। वह पारिश में फादर जॉन मेरी भानी पल्ली पुरोहित के रूप में काम कर लें। और पल्ली पुरोहित के रूप में काम करे के समय में जॉन मेरी भानी विशेष काम मान के कर लें, वह लग पहला 24 घंटा यूखारिस्तीय संस्कार के आराधना करे के वो शुरू कर लें। शुरू में बहुत कम थी आदमी मनावत रहें, 2-3 जन आवत रहें, मगर धीरे 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 आदिमान आराधना में भाग लेने लगलाए। दूसरा हलक शांत जॉन मेरी भानी पाप स्वीकार संस्कार के बगरा मान्यता दिलाए और 12 से 16 घंटा पाप स्वीकार बैठत रहें। तो यह प्रकार से शांत जॉन मेरी भानी आदिमान के आत्मा के बचा लाए। और आचराज काम यह गोटेक रहे कि जोन मेरी भानी जे भाई और बहन मन पापसी का लगी नावत रहें, उमान के मान और दिल के पाप के जानत रहें। अगर क्यों गलती से हो कोनो पाप के छोड़ देवत रहें तो जोन मेरी भानी उके यही करवात रहें जे फल्ला तो ये पाप के भुलाए जाहिस। और वो विश्वासी भाई या बहन वो पाप के बतात रहें। दूसरा बात रहे कि एक भाई या तो बहन के भविष्य में का हुई क्यों हो वो जाने के परत रहें। एक बार ऐसे होला एक विधवा आयोग के बेटा जो 18 साल के रहे वो 15 साल के छोड़ी के प्यार में पागल हुई गलक और उके वो शादी करे खोजलक, मगर वो विधवा आयोग वो नहीं चाहत रहे कि उकर बेटा वो छोड़ी के शादी हुई, से लगिन
जोन मेरी भानी थीं वो अलग और उकर सलाह ले जा खोजलक। मगर जे बेरा हुआ पहुँचलक देखलक जे बहुत लंबा लाइन है, बहुत भीड़ है। वो हताश निराश हो के घूर जा खोजात रहे। सह बेरा जोन मेरी भानी गिरजाघर से निकलनाए और वो आयो के कहलाए तोर बेटा के वो बहिन के शादी होए दे। उमन के शादी जीवन बहुत सुंदर ढंग से होगी कह के वो आयो के कहलाए। और आयो खुशी से जोन मेरी बिहानी के गोइट सुन के वो अपन बेटा के वह बेटी संगे शादी करवालाए। जोन मेरी बिहानी एक ऐसे उपदेशक रहा है जे कि आदमी मन के दिल के छुआत रहा है। उकर उपदेश और सलाह आदमी मन के जीवन और दिल के छुआत रहे। सह लगी दूर दूर से विश्वासी भाई और बहन मन उनका ठीन आवत रहे। वापसी कर करेक सलाह लेजेक और उमन के जीवन में वो का करवाए का नहीं करवाए उनकर बारे पूछेक आवत रहे। और जोन मेरी बहनी मन के धीरज के साथ सुन के मन के मदद करात रहे। इतना तक कि बिशप पुरोहित सिस्टर धर्म संगी भाई और बहन मन सभी मन उनका ठीन आवत रहे। तो जोन मेरी भानी ऐसे एक व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे कहा ईश्वरीय गुण से भरल। उकर पाछे जोन मेरी भानी पल्ली पुरोहित हो के नाते एक तीर्थ स्थान के हम स्थापना कर रहे। संत फिलोमिना के नाम में जो तीर्थ स्थान रहे वो के बढ़िया से बना लाए स्थापना कर लाए। और वहाँ हजार हजार भाई और बहन मान विनती करे का आवत रहे और ढेर मान चंगाई पावत रहे। उकर पाछे जोन मेरी भानी के मान और दिल बहुत दया ईश्वरीय दया से भरल रहे। से लगिन वो अनाथ बेटा बेटी मन लगिन एक अनाथालय बनाए रहे और वहाँ मन के रख के उमन के देखभाल करात रहे। तो यहाँ भी एक आचराज काम हुआत रहे। वो अलग उमन ठीन कोनो खाए पिए के कोनो निराहत रहे। मगर वो अनाथ आश्रम के चालक में और उमन के लगिन खाए पिए के और जो भी जरूरत चीज आए उनके जोगाड़ करे में ईश्वर मदद करात रहे। और सबकर लगिन सब कोनो जरूरतमंद पूरा होत रहे। जे कोनो भी खर्चा वर्चा है सब हो जात रहे। ए रकम से वहाँ भी ऐसे आचराज काम हुआत रहे। तो ये रकम से जोन मेरी भानी अपन पुरोहित जीवन के पूरा पूरा तौर से ईश्वर के समर्पित करके पूरा कर रहे हैं। जोन मेरी भानी के जीवन एक असाधारण जीवन रहे। उनका विश्वास परमेश्वर पर गहरा रहे और उकर काम उदाम सब कोनो के वो परमेश्वर पर समर्पित कर देवत रहे। और जोन मेरी भानी कहा अपन जीवन में कहत रहें कि जे कोनो भी काम है उके अगर हमारे परमेश्वर के समर्पित नहीं कर रही भले वो बेकार है के। और भी वो विश्वास करात रहें कि जेहर परमेश्वर पर विश्वास करेल और परमेश्वर के सेवा में जे कोनो भी दुख और तकलीफ आवेल से के सहेला उके परमेश्वर उकार सब कोनो काम में मदद करे के लगिन तैयार रहें। सान जोन मेरी भानी ऐसे विश्वास करात रहें। ख्रिस्त में दुलारो और भाई बहन मन ये होलक सान जोन मेरी भानी के जीवन। सान जोन मेरी भानी हमार लेखे व्यक्ति रहे लेकिन कहा असाधारण जीवन उ जियात रहे। उकार खाए पिए के कोनो ठेकान नहीं रहे। कहल जाला वो थोड़े कुन आलू के भाइप के उके खाए देत रहे और अपन जीवन के जियात रहे। कोनो बगरा स्वादिष्ट खाना या तो भोज रकम कर खाना वो कभी नहीं खालाए। तो ये प्रकार के जीवन वो जी हैं
और एक सुंदर उदाहरण बन हमारे शुभ मन के दी है। तो ये सब काम करके संत जोन मेरी भियानी केर मरण 4 अगस्त 1859 ईस्वी में होलक और उकार मरण में बहुत मन दुखी होल है। वो पारिस जे आर्स रहे जे कि एक अधर्मी पारिस रहे वो धर्मी पारिस बन जा रहे जे विश्वासी मान पी पी के मतल रहत रहे जे मान जुआ अड्डा जात रहे अनैतिक जीवन जियात रहे से मान के जीवन परिवर्तन हो गलक और वहाँ जे का जुआ के अड्डा भट्ठी घर सब बंद हो गलक और आदमी मान गिरजा आवे के लगल विनती करे के लगल आराधना करे के लगल और आर्स पारिस मैं कहलो जे अधर्मी रहे एखन धर्मी पारिस बन गलक और पूरा वो लियोन शहर में एक एक नंबर के पारिस हो गलक। और संत जोन मेरी भानी के संत पापा पीयूष गढ़वा 1925 ईस्वी में शांत घोषणा कर लें और आज वो महान शांत हो करके सबकार एक सेवा करैया के नमूना बनेना। तो ये होला संत जोन मेरी भानी के जीवनी और उकर काम और उकर प्रभाव। तो उकर जीवन कहानी से हमारे मन यह शिक्षा ग्रहण करब। सबसे पहले तो अपन लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहब और उ लक्ष्य के पावे के लगिन परिश्रम करब विनती करब ईश्वर के समर्पित कर देव और उ लक्ष्य के पावल पाछे उ लक्ष्य में जे सोच आए वह अनुसार काम करब। संत जोन मेरी भानी के लक्ष्य रहे एक अच्छा पुरोहित बने और उ लक्ष्य के पावे के लगिन वो परिश्रम करलक लैटिन भाषा नहीं जानत रहे के सीखलक सो पाठ पढ़लक और उ लक्ष्य के पाए के वह लक्ष्य अनुसार काम करलक। तो ये होलक हमारे लगे शिक्षा। और दूसरा शिक्षा है के कि हमारे मन जे कोनो भी करिल जे कोनो भी सोचिल जे कोनो भी कहिल और जे कोनो भी हमारे मन कारोबार करिला उस सब कोनो के परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देवा और परमेश्वर उके आशीष देवाए और हमारे मन उ काम मन के अच्छा से करे पारब। तो संत जोन मेरी भियानी आइज हमार लगिन एक नमूना बनेना और संत जोन मेरी भियानी सब पल्ली पुरोहित मन के संरक्षक शांत है। चलो हमारे मन कड़ी ध्यान चिंतन करब। जे बेरा आइज हमारे मन 4 अगस्त संत जोन मेरी भियानी के पर्व के मनाथी उकर जीवन से उकर काम से और उकर सेवा से कोनो शिक्षा ग्रहण करब और अपन जीवन के उकर लेखे बनाब। सब मन के धन्यवाद। जय जीसु।